नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पोषण ट्रैकर में पिछले दिनों कई सारे अपडेट आए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर की खास अपडेट के बारे में बताऊंगा, जो कि ये खास अपडेट आप सभी को जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी सेविका हैं, तो आपको बच्चों की हाइट कैसे मापना है, बच्चों का वेट कैसे मापना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए, और जो वैक्सीनेशन है गर्भवती महिला को कौन सा वैक्सीन कब दिया जाएगा, प्रसूति महिला को कौन सा वैक्सीन कब दिया जाएगा, और जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन कब कब दिया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप ने एक बहुत ही अच्छी अपडेट की है। उस अपडेट को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप सब तक पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमने अपना पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया है। आप भी अपने पोषण ट्रैकर को जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड के कोने में एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देता है। थ्री डॉट के ऑप्शन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने यहाँ पे एक ऐसा पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नया ऐड किया गया है वो है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। अब इस संसाधन में बहुत सारे जो फीचर्स दिए गए हैं उनको आइए हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पांच टॉपिक जो दिए गए हैं ये संसाधन है, जिससे कि हम बच्चों की हाइट और बच्चों का वेट और वैक्सीनेशन चार्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। पोषण ट्रैकर प्रोसेस फ्लो, जैसे कि इसमें आप सभी लोग पोषण ट्रैकर में कैसे लॉगिन होना है, पोषण ट्रैकर को कैसे रीसेट करना है, पोषण ट्रैकर में एमपिन कैसे चेंज करना है, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टंटिंग। तो यहाँ पे जो बच्चों की हाइट है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर वेट। तो जो बच्चों की वजन है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे उसकी जानकारी इसमें दिया गया है। और चौथा है वैक्सीनेशन चार्ट। वैक्सीनेशन चार्ट ये है कि जो गर्भवती महिला है या प्रसूति महिला है और जो बच्चे हैं उनको कौन सा टीका कब दिया जाएगा, किस मंथ में दिया जाएगा, उसकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सीटीए ऑफ बेनिफिशरी। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो हमारा समझाने का तरीका है आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, और कुछ कमी हो तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए जो सभी रिसोर्स दिए गए हैं सभी को बारी बारी समझेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर प्रोसेस फ्लो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो पोषण ट्रैकर का प्रोसेस है कि कैसे आपको पोषण ट्रैकर में लॉगिन होना है, कैसे इसमें एमपिन चेंज करना है वगैरह वगैरह, इसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं। पोषण ट्रैकर में ये नहीं खुल रहा है तो चलिए मैं आपको तब तक दूसरे अपडेट के बारे में बताऊँ। तो चलिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टंटिंग। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा, सी द टेबल बिलो टू एक्सेस द हाइट ऑफ चिल्ड्रेन अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे बता रहा है कि 0 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे और बच्चियाँ होती हैं उनका मैक्सिमम और मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, उसका यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिस टेबल को हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दो पार्ट में इसको समझाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पार्ट है जो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए है, और जो दूसरा पार्ट है वो लड़कियों के लिए है कि लड़कियों को कितना हाइट होना चाहिए, लड़कों का कितना हाइट होना चाहिए, उसी को यहाँ पे समझाया गया है। और इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, इफ़ लेस देन दिस देन चाइल्ड इज स्टंट, यानी कहने का मतलब है अगर इससे बच्चे की हाइट कम होती है तो इसको बौना माना जाएगा। उसके बाद जो आइडियल हाइट है जो बच्चों की हाइट होनी चाहिए वो कितना हाइट होना चाहिए, जिसको आइडियल हाइट यानी कि आदर्श हाइट मानते हैं।
तो आइए हम लोग इस चार्ट को क्लियर समझते हैं कि ये चार्ट किस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे जो 0 मंथ का बच्चा है उसका मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है वो है 46.1 और जो मैक्सिमम हाइट है वो 49.9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे जो लड़की है उसका हाइट कितना होना चाहिए और उसका मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर बच्चे का हाइट रहता है तो बच्चा ठीक रहता है, मतलब उसकी हाइट ठीक रहती है। और इससे अगर कम, जो यहाँ पे 46.1 का जो हाइट है सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर इससे बच्चा कम होता है तो वो उस बच्चे को बौना या नाटापन में उसको बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका हाइट हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लड़का का हाइट और लड़की का हाइट कितना है, और उसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे हाइट वगैरह है आप लोग देख लीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरवेट है, इसका डिटेल्स हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे भी जो बच्चों की वेट है वो कितनी होनी चाहिए उसका यहाँ से आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि जो 0 मंथ का बच्चा है, यानी कि जो नए नया बच्चा अभी जन्म लिया है, उसका मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम वेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3.3 दिया है, यानी कि 3 kg 300 ग्राम रहेगा तो बच्चा वो स्वस्थ रहेगा। और यहाँ पे 2.5 kg से अगर बच्चा कम है, यानी कि 2.5 किलो से बच्चा कम है, तो वो बच्चा कुपोषित उसको बोल सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से है लड़कियों का, कि लड़कियों का वेट कितना मैक्सिमम होना चाहिए और कितना मिनिमम होना चाहिए। तो लड़कियों का वेट मैक्सिमम 3.2 kg, यानी कि 3 kg 200 ग्राम, और मिनिमम वेट का बात है और मिनिमम वेट 2.4 kg, यानी कि 2 kg 400 ग्राम रहेगा तो बच्चा ठीक ठाक रहेगा। एज बढ़ती है उसी प्रकार से जो यहाँ पे वेट है उतना होना चाहिए। उस हिसाब से आपको चेक करते रहना है बच्चों की वेट कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो उसी का यहाँ पे चार्ट दिया गया है, जो कि मुझे ये चार्ट बहुत ही पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा नंबर में दिया गया है वैक्सीनेशन चार्ट, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो यहाँ पे जो गर्भवती महिला है उनका वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण कब कब दिया जाएगा उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे है फॉर इन्फेंट्स यानी कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनका यहाँ पे कब कब वैक्सीनेशन किया जाएगा उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से महीने में कौन सा टीका पड़ेगा। सारे डिटेल्स आपको इसी में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जो बच्चे हैं 0 से लेकर 5 वर्ष के, उनको यहाँ पे कौन सा टीका दिया जाएगा आपको यहीं से डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप सभी लोगों को वैक्सीनेशन चार्ट यानी कि टीकाकरण का चार्ट को कैसे भरेंगे, तो अगर ये आप सभी को वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। और लास्ट में है CTA ऑफ बेनिफिशरी, यानी जो लाभार्थी है उसका यहाँ पे जो CTA दिया गया है, जैसे कि गर्भवती महिला, प्रसूति महिला और जो बच्चे हैं, तो गर्भवती महिला को कौन सा दवा दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को समझा दिया है कि इसके भोजन में कौन सा आहार शामिल करना है, कौन सा दवा देना है। तो अगर आप सभी लोग वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अपडेट जान के अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।